नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरसीसीबी के बारे में। ये आरसीसीबी होती क्या है और इसको दोस्तों अगर आप लगाने की सोच रहे हो तो इसका लगाने का कोई फायदा नहीं होगा अगर आप ये वीडियो पूरी नहीं देखते हो तो। ठीक है, तो ये वीडियो आपको पूरी देखनी है और अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करनी है दोस्तों, ताकि ये जानकारी दूसरों को भी मिल सके, क्योंकि काफी सारे जो साथी हैं उनको पता ही नहीं होता है आरसीसीबी क्या होती है, क्यों लगानी चाहिए। ठीक है, तो देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इसके जो कनेक्शन है वो बता देते हैं, उसके बाद में इसको प्रैक्टिकल करके दिखाने वाले हैं कि यह काम कैसे करती है, इसके क्या फायदे लगाने के, ठीक है, और इसके क्या नुकसान हो सकते हैं, इसके नुकसान भी बताएंगे अगर आप इसको अच्छे से इस्तेमाल नहीं करते, यानी कि इसका जो तरीका होता है यूज करने का वो आपको बताना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसलिए हम आज आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को देखिए, ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, ठीक है, ये बात सबसे जरूरी है। तो सबसे पहले कनेक्शन बताते हैं। कनेक्शन करने के लिए यहां पर देखिए चार टर्मिनल है, देखिए दो ऊपर की तरफ है, दो नीचे की तरफ है, यानी इनपुट फेस, न्यूट्रल और आउटपुट फेस, और न्यूट्रल के दो दो टर्मिनल यहां पर दिए हुए हैं, जैसे कि एक सिंपल एमसीबी आइसोलेटर में दिए होते हैं वैसे। तो यहाँ पर जो दो वायर ले लेते हैं हम, इन दोनों वायर को हम कनेक्ट करते हैं इसके इनपुट की साइड, यानी एन लिखा है वहाँ पर न्यूट्रल लगाएंगे और जहाँ पर दो नंबर लिखा है वहाँ पर फेस लगाएंगे। तो ये दोनों वायर यहाँ पर हम कनेक्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमने दोनों वायर कनेक्ट कर लिए, लेकिन दोस्तों आप वीडियो पूरी देखना, क्योंकि इसमें हम ये बताने वाले हैं कि अगर आप आरसीसीबी लगा रहे हो तो इसका कोई फायदा नहीं होगा अगर आप इसको हम जो तरीका बता रहे हैं उस तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हो तो। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, आउटपुट के लिए दो वायर ले लेते हैं, एक लैंप ले लेते हैं जिसकी दो वायर है, दोनों वायर को हम इसके आउटपुट फेस टर्मिनल पर लगा देते हैं। तो इस प्रकार से देखिए हमारे घर में इसके कनेक्शन करने होते हैं, नीचे की तरफ इनपुट फेस और न्यूट्रल लगा देंगे और ऊपर की तरफ लगा देंगे हम आउटपुट की जो वायर होती है, घर का जो लोड होता है वो। ठीक है, अब आपको इसको चेक करवाते हैं, यानी कि न्यूट्रल और फेस की जो सप्लाई है वो इसको दे देते हैं। देखिए सप्लाई से कनेक्ट हमने कर दिया है, अब करते हैं इस आरसीसीबी को ऑन। देखिए जैसे आरसीसीबी ऑन की हमने, हमारा जो लैंप है वो ऑन हो गया, यानी कि घर की जो सप्लाई है वो चालू हो जाती है इस प्रकार से। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम टेस्ट करते हैं इस आरसीसीबी को, यह काम कैसे करती है। सबसे पहले देखिए हम एक वायर ले लेते हैं, उस वायर में क्या है, अर्थिंग फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो अब हम इसको चेक करते हैं कि यह कैसे काम करती है। देखिए हमारे सामने जो दो वायर है ये न्यूट्रल और फेस की, इन दोनों के साथ बारी बारी से टच करके देखते हैं क्या अर्थिंग की वायर टच करने से यह आरसीसीबी काम करती है, ट्रिप होती है, नहीं होता। तो चलिए पहले हम टेस्ट कर लेते हैं, इस वायर को टच करते हैं। देखिए यहाँ पर जो न्यूट्रल की वायर है इसके साथ टच करते हैं, पहले जो आउटपुट में न्यूट्रल गई हुई है इसके साथ टच करते हैं। ठीक है, तो देखिए करते हैं, इसको यहाँ पर लगा देते हैं आउटपुट न्यूट्रल में, 1, 2, 3। ये देखिए जैसे हमने इस वायर को न्यूट्रल के साथ टच किया है, यानी अर्थिंग को न्यूट्रल के साथ टच किया है, तब भी यह हमारी जो आरसीसीबी है वायर ट्रिप हो चुकी है, घर की सारी जो सप्लाई है वो बंद हो जाएगी। अगर कहीं पर भी आपके घर में फॉल्ट है, न्यूट्रल और जो अर्थिंग है, अर्थिंग और न्यूट्रल जो है वो अगर टच हो जाती है तो आपकी आरसीसीबी बंद हो जाएगी, आपका पूरा पूरा घर की जो सप्लाई है वो बंद हो जाएगी। देखिए ठीक है, अब चेक करते हैं हम फेस के साथ। देखिए ये अर्थिंग की वायर है, अर्थिंग इसके अंदर फ्लो हो रहा है, अब फेस के साथ टच करते हैं, अगर फेस के साथ हमारी जो ये अर्थिंग है वो टच हो जाती है किसी वजह से तो आरसीसीबी कैसे काम करती है। तो चलिए इसको लगाते हैं हम यहाँ पर, 1, 2, 3। देखिए जैसे हमने इस अर्थिंग की वायर को फेस के साथ टच किया तो हमारी जो आरसीसीबी है वो बंद हो गई है, यानी ट्रिप हो गई है, तो पूरे घर की जो सप्लाई है वो बंद हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया इसका उपयोग, इसको आप कैसे काम में ले सकते हो, कैसे हमारे लिए ये सेफ प्रोडक्ट है। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर आप एक काम नहीं करते हो तो आपके लिए इसका यूज़ करना बिल्कुल बेकार हो जाएगा। अगर आप एक जो बात है उसका ध्यान नहीं रखते हो तो आपका इसका यूज़ करना बेकार है, इसको लगाने का जो मकसद आपका बिल्कुल भी खत्म हो जाएगा, आपका जो फ़ायदा है वो बिल्कुल नहीं होने वाला है। और वो बात क्या है दोस्तों, वो आपको ये बताते हैं। देखिए यहाँ पर ये वायर हम दोबारा से एक बार टेस्ट करवाते हैं। देखिए तो यहाँ पर न्यूट्रल के साथ टच करते हैं, देखिए ट्रिप हो गई आरसीसीबी, वैसे ही सेम हम फेस के साथ ट्रिप करते हैं, ये देखिए फेस के साथ भी ट्रिप हो रहा है। ठीक है, यानी कि आपकी कोई भी लीकेज होगी, अर्थ की लीकेज होगी, फेस की लीकेज होगी, न्यूट्रल की लीकेज होगी, आपस में टच हो जाती है अर्थिंग के साथ, न्यूट्रल और फेस अर्थिंग के साथ कहीं पर भी कनेक्ट हो जाते हैं आपके घर में, आपको मान लीजिए कोई हल्का करंट लग जाता है, ठीक है, उस दौरान भी यह ट्रिप हो जाएगी। ठीक है, यानी 30 mA तक का जो करंट है वह यह क्या करती है, ऑब्जर्व करती है। अगर 30 mA, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं दिखा देता हूँ, ये रहा 30 mA तक का जो अगर करंट आपको लग जाता है तो उस दौरान क्या होगा कि यह ट्रिप हो जाएगी। ठीक है, यानी कि उससे ज़्यादा करंट होने ही नहीं देगी आपके बॉडी को, अगर कोई करंट लगता है किसी आदमी को तो उसमें क्या होता है, ज़्यादा करंट की जरूरत होती है उसकी डेथ होने के लिए। ठीक है, तो उससे पहले यह क्या है, यह ट्रिप हो जाएगी। 30 mA बहुत ज़्यादा कम होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, यह हमें सेफ्टी प्रदान कर दी है। लेकिन दोस्तों इसका फायदा क्यों नहीं होगा, अगर हम क्या नहीं करें तो हमारा इसका लगाने का फायदा नहीं होगा। तो एक काम अगर आप नहीं करते हो तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। तो बात क्या है दोस्तों, वो ये है कि देखिए यहाँ पर एक क्या लगा होता है, एक स्विच लगा होता है एक्स्ट्रा, ये ऑन ऑफ स्विच तो है ही, देखिए यहाँ से ऑन ऑफ तो कर सकते हैं हम, लेकिन एक काम और है वो नहीं करते हैं तो क्या होगा, इसका फायदा नहीं होगा। वो फायदे वाली बात क्या है दोस्तों, वो ये है कि यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है। ठीक है, और इस पर क्या लिखा हुआ है, टेस्ट रेगुलरली। अगर ये काम आप नहीं करते हो तो इसका लगाने का कोई फायदा नहीं होगा, पैसे लगाने का कोई फायदा नहीं है, मिस्त्री को पैसे देने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन दोस्तों ये काम आपको खुद करना होता है, इसमें कोई भी मिस्त्री कोई इलेक्ट्रिशियन आपकी मदद नहीं करने वाला, वो आपको बता सकता है केवल, लेकिन आपको ये काम मंथ में एक बार जरूर करना है। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है क्या कि टेस्ट रेगुलरली। ठीक है, रेगुलरली मतलब ये नहीं कि आपको डेली इसको टेस्ट करना है, आपको महीने में एक बार कम से कम टेस्ट इसको कर लेना है, और टेस्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है, सिंपल सा काम आपको करना है। और वो क्या करना है, ये देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर एक टी लिखा हुआ है और एक पुश बटन यहाँ पर लगा हुआ है, देखिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पर इस स्विच को एक बार महीने में ऐसे दबा देना है, देखिए
ठीक है। जैसे ही आप इसको प्रेस करोगे, दबाओगे, तो क्या होगा, ये जो RCCB है ट्रिप हो जाएगी और आपके घर की लाइट बंद हो जाएगी। आपको सिंपल उसको ऑन कर देना है, एक बार दोबारा से इसको ऐसे ऐसे प्रेस कर देना है, दबा देना है, फिर क्या होगा, दोबारा से आपके घर की लाइट चली जाएगी, जो RCCB है वो ट्रिप हो जाएगी। इस प्रकार से अगर आप कर लेते हो तो आपकी जो RCCB है वो सही चलेगी, आपका जो काम है RCCB का वो सही करेगा, इलेक्ट्रिक करंट से जो बचाने का इसका काम है वो सही होगा, अर्थिंग लीकेज से बचाने का जो काम है वो सही होगा, यह प्रॉपर्ली अपना काम करती रहेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, इसको रेगुलर आप टेस्ट कीजिए और जो टेस्ट करने के बाद आप क्या है प्रॉपर्ली इसका फायदा उठा सकते हो, प्रॉपर्ली इसका जो काम है वो रहेगा। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि कई बार आप भूल जाते हो कि इसको टेस्ट कैसे करें या कैसे, मतलब हो नहीं पाता है आपसे, तो आपको क्या करना है, कहीं पर भी कोई भी इलेक्ट्रिक सॉकेट में आप कोई एक वायर ले लीजिए और अर्थिंग, यहाँ पर देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको, इस तरह ये वाला सॉकेट है, ठीक है, यहाँ पर आप एक वायर ले लीजिए, ठीक है, और इस वायर को आप क्या करें, यहाँ पर लगा दें, ये जो वायर है, वायर के दो एंड हैं, इसको आप यहाँ लगा दीजिए, देखिए यहाँ लगा दीजिए, ठीक है, इस वायर को यहाँ लगा दीजिए और दूसरा जो एंड है इसको यहाँ लगा दीजिए, और इसको कहीं पर भी, ठीक है, यानी इसको देखिए कहाँ कनेक्ट किया हमने, न्यूट्रल के साथ कनेक्ट किया, इस बोर्ड में न्यूट्रल है, यहाँ पर कनेक्ट किया, और यहाँ पर आप इस वायर का दूसरा एंड क्या है कि कहीं पर भी आप कनेक्ट कर दीजिए, या न्यूट्रल अर्थ के साथ कर सकते हो, न्यूट्रल के साथ कर सकते हो, फेस के साथ कर सकते हो, तो यह ऑटोमेटिक ही दोबारा से टेस्ट हो जाएगी। देखिए हम करके दिखाते हैं आपको, देखिए ठीक है, हो गई है, ऐसे ट्रिप होगी। तो आप क्या करना है, अर्थिंग और न्यूट्रल को आपको कनेक्ट कर देना है, अर्थिंग और फेस को आपको कनेक्ट कर देना है, तो यह चेक हो जाएगी। अगर आप इसके पास नहीं जाना चाहते हो, आप टाइम से दूर हो सकता है, मान लीजिए किसी भी वजह से आप करना चाहो, तो ये दूसरा तरीका है इसको चेक करने का, ठीक है, RCCB आपकी काम कर रही है नहीं कर रही है, तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हो, ठीक है। एक और तरीका आपको बताते हैं, ये तो दूसरा तरीका हो गया टेस्ट करने का, टेस्ट करने के लिए ये तरीका तो आपको बता दिया, अब एक और तरीका बताते हैं। तो क्या करते हैं हम, ये कनेक्शन पहले हटा लेते हैं यहाँ से, ठीक है, तो ये जो इनपुट सप्लाई है इसको भी हटा लेते हैं, और उसमें क्या होगा दोस्तों, उसमें बिना पावर सप्लाई के भी आप आपके RCCB को टेस्ट कर सकते हो खुद, ठीक है। तो एक तरीका और बताते हैं आपको जो कि काफ़ी अच्छा तरीका है, तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें एक वायर ले लेनी है, देखिए इस प्रकार से कोई भी कलर की आप एक वायर ले लीजिए और इसको बीच में से काट लीजिए, फिर वायर के दोनों एंड आप ऐसे छील लीजिए, ठीक है। और अब इसके बाद में क्या करना है आपको, ये जो वायर है, मतलब दोनों वायर का एक एक एंड लगा दीजिए आप यहाँ पर न्यूट्रल वाली साइड लगा दीजिए, ठीक है, और इसमें आउटपुट न्यूट्रल में लगा दिया, इसमें हमने इनपुट न्यूट्रल में लगा दिया, ठीक है। तो ये तरीका आपको बता रहा हूँ, ये तरीका शायद किसी ने नहीं बताया होगा, लेकिन ये काम करना जरूर है आपको, टेस्ट जरूर करना है आपको, ठीक है। और अब आपको क्या लेना है, एक बैटरी ले लेनी, देखिए इस प्रकार से, ठीक है, ये बैटरी ले लीजिए, बैटरी लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको बैटरी रख लीजिए और RCCB कर दीजिए ऑन, ठीक है। ऑन करने के बाद आपको क्या करना है, देखिए ऑन करने के बाद आपको ये करना है कि ये जो दोनों पॉइंट है वायर के, इनपुट वाला और आउटपुट वाला, यानी यहाँ पर ये लगाए हैं, इनको आपको यहाँ पर लगाना है, देखिए इसको एक साइड यहाँ लगा देंगे बैटरी के, यानी कि बैटरी के नेगेटिव और पॉजिटिव में आपको इन वायर को लगा देना है, ठीक है। अब इसको हम दूसरे साइड लगा देते हैं, यानी पॉजिटिव साइड में यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम इसको टेस्ट करने के लिए इस प्रकार से ऐसे देखिए यहाँ पर टेस्ट करते हैं, तो देखते हैं क्या होता है, ये देखिए ट्रिप हो गई, ठीक है, सिंपल सा काम है, ऐसे आप कर सकते हो, यानी कि जो न्यूट्रल की साइड है आपके RCCB की वो चेक हो गई। सेम वैसे ही हमें क्या करना है, फेस की साइड आपको ये काम करना है, इसको टेस्ट करने का जो काम है वो करना है, ठीक है। तो इसको हम निकाल देते हैं और इसको लगा देते हैं दूसरी साइड, फेस वाली साइड, तो यहाँ पर इसको हम लगा देते हैं ऐसे, यानी आउटपुट फेस में लगा दिया एक वायर और यहाँ पर इनपुट फेस में भी एक वायर लगा देंगे। तो ये दोस्तों एक आसान सा तरीका है, अगर आपने RCCB लगा रखी है तो आप RCCB को इस प्रकार से चेक कर सकते हो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेम वैसे ही ये वाली वायर जो है इसको यहाँ पर लगा लेंगे नीचे की साइड माइनस पॉइंट में बैटरी के, और ये वाली लगाएंगे यहाँ पर जो पॉजिटिव साइड है, यानी कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है उस साइड, ठीक है। तो आप चेक करते हैं, देखिए क्या होता है, सॉरी ये उठाया नहीं हमने, इसको उठा देते हैं और अब चेक करते हैं क्या होता है, देखिए देखिए ट्रिप हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हो आप, जो RCCB इसको यहाँ पर चेक कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने तीन तरीके आपको बता दिए, तो इन तीनों तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप RCCB को चेक कर सकते हो, RCCB सही है या खराब है वो आप चेक कर सकते हो। लेकिन दोस्तों ये वीडियो जो हमने बनाई है वो इसी वजह से बताई कि आपको जो ये RCCB है वो किसी भी एक तरीके से आपको हमेशा चेक कर लेनी है एक बार, ठीक है, यानी रेगुलर चेक करनी है, मंथली एक बार आप चेक कर लीजिए, नहीं तो इसका लगाने का कोई फायदा नहीं होगा। अगर ये आपको प्रॉपर्ली काम नहीं कर रही है तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। प्रॉपर्ली काम कब करेगी, जब आप रेगुलर इसको टेस्ट करोगे, यहाँ स्विच से, बैटरी से, या फिर कोई भी अर्थिंग और न्यूट्रल को आप किसी भी सॉकेट में कनेक्ट कर सकते हो एक वायर के द्वारा, तो यहाँ से ट्रिप हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको इसको टेस्ट जरूर करना है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करना, मिलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।